छत पे वो पता नहीं कौन सी बियर थी वो नॉट दैट आई नो सुपर पावर था जो कि किसी को नहीं पता। आई वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर ये कैसा होता है दलील <laughs> करने का तरीका कहते हैं होनी को कौन डाल सकता है जो हो गया सो हो गया और ये सब बताने के बाद कहते हैं जीसी मैं आपको आज एक चीज सुनाऊंगा तो आपको याद रहेगा दोस्तों मैं और आप देख रहे हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत सुनाई थी की, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया बड़ा सराहा और बहुत अप्रिशिएट करा कई लोगों ने बोला साहब कि ये हमें मोटिवेट करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए और हम भी चाह रहे थे कि हम सी का एग्जाम दें और भारतीय सेना में अफसर बने ओ टी ए जाए आई एम ए जाए एनडीए जाए ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों और बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैसेज था ना उसमें मैसेज ये तो था ही कि आप आर्मी में जाएं जाहिर सी बात है लेकिन अंडरलाइन जो मैसेज है कि आपके पास भी ना ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में आपके साथ खड़े रहें अच्छे वक्त में ना भी खड़े रहें बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है अकेला तय नहीं हो पाता जो मुश्किल पेश आती हैं सामने जो ऑब्सटिकल्स होते हैं ना मैं अपने खुद का एग्जाम्पल दे बता रहा हूं कि अगर वो दोस्त नहीं होते मेरे तो मैं कभी वो काम नहीं कर पा मेरे लिए पहाड़ था वो बहुत बड़ा तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू नो हैव 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 गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स लॉयल पीपल हु योर बैक ऑल द टाइम आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव होम खैर अब हम आते हैं सेकेंड टर्म ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के सेकंड टर्म में क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म में आपने देखा मैं घर गया खाया पिया सो गया और ट्रेन पकड़ के वापिस अच्छा सेकेंड टर्म की शुरुआत हुई तो वही सागर का बटर चिकन छत पे वो पता नहीं कौन सी बियर थी वो नॉट दैट आई नो हॉस्पिस लाइक बट कॉल इट हॉस्पिस तो बड़ी कोई पथेटिक सी थी और वो भी गुनगुनी मिलती थी तो वो खाया पिया और काम चल रहा था अपना बड़ा सब कुछ और धीरे 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 क्या हुआ कि हमारे जैसे जूनियर्स आए फिर हमने अपने जूनियर्स का भी वही रगड़ा लगाया जो हमारे सीनियर्स ने हमारा रगड़ा लगाए थे रैगिंग नहीं है ये ये रैगिंग नहीं है मैं आपको बताता हूं कि फौज में एक चीज आजकल पता नहीं क्या होता है नहीं होता लेकिन हमारे टाइम पे होता था शेव परेड होती थी अब मैं आपको बताता हूं शेव परेड क्या है अभी तो जैसे रेजर आते हैं ना शेविंग के आपने देखा होगा वो सेफ्टी रेजर आते हैं किसी में दो ब्लेड होते हैं किसी में पांच ब्लेड होते हैं जिलेट के बड़े फैंसी टाइप के हमारे टाइम पे ये सब नहीं थे मैं बात कर रहा हूं नाइनटी थ्री नाइनटी की हमारे टाइम पे क्या था वो नीचे से खुलने वाले नहीं होते थे आपने देखा था पुराने टाइप के जिसमें दो तीन चार टुकड़े उसके हो जाते थे अलग अलग हो जाता था वो आते थे एंड टू शेव विद और और ब्रश होता था और ट्यूब में उसका वो आता था शेविंग क्रीम तो आप ऐसे लगाइए फिर उसको शेव करिए तो बेसिकली हमारे सीनियर्स हमसे क्या करवाते थे और यही चीज हमने अपने जूनियर से भी करवाई बुरा लगता था हमें बहुत ज्यादा लेकिन ये ट्रेनिंग थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग है तो हम उसको करते थे ये हमारे सीनियर्स करवाते थे रात को और, और टाइम पे बिल्कुल ये ये जो परेड होती थी ना कभी ढंग के वक्त नहीं हुई कि दोपहर को करवा लिया शाम को सुबह ना रात के दो बजे ढाई बजे तीन बजे जब सबसे गहरी नींद होती है तब अचानक सीटी बजती थी और हमसे कहते थे कि तुम्हारे पास दो मिनट हैं तुम शेव करके बाहर आओगे बाथरूम जाओ शेव करो प्रॉपर लाइन में खड़े होकर बाहर हमें इंस्पेक्शन कराओ और हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगे ऐसे हाथ लगाते थे कि दाढ़ी बिल्कुल ऐसे भी और ऐसे भी स्मूद है कि नहीं और स्मूद नहीं होती थी तो अगर तीन बजे की चेकिंग हुई है, तो तीन से ड्रामा शुरू रहता था पूरी रात, की रात काली, हो जाती थी और काली अच्छा ये जो मैं आपको रेजर का बता रहा हूं रेजर के जैसे रेजर खोलते थे ऐसे इस तरीके से और तो वो हमें कहते थे कि अलग अलग जगह इसको रखो समझ रहे मेरी बात आप सोचिए आपने उसका जो नीचे वाला हैंडल है पकड़ने वाला वो कहीं रखा है ब्लेड कहीं रखा है ऊपर नीचे वाला हिस्सा कहीं रखा है रात के दो बजे सीटी बजती है सीनियर बजाता गेट 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 अप 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 कम कम ऑन 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 तो सब लोग ऐसे हड़बड़ाहट से सब लोग उठ जाते हैं क्योंकि सीनियर भी वहीं पर रहते थे और हम सब लोग एक जगह रहते थे तो, तो शेड तो कहता था, था, था मिनट्स या टू मिनट्स जो भी बोलेगा अच्छा आप लाइट स्विच ऑन नहीं कर सकते सबसे बड़ी बात लाइट स्विच ऑन आप नहीं कर सकते आपको अंधेरे में वो रेजर ढूंढना है वो पूरा लगाना है आपको नाइट सूट में आप सो रहे हैं फौज में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन चाहे जैसे कच्चे बनियान में सो गए ना, ना जी प्रॉपर नाइट सूट में सो गए आप चाहे वो मद्रास की यू नो गर्मी हो उमस वाली सोते आप नाइट सूट में हो तो आपको ड्रेसिंग गाउन पहनना है ऊपर से ड्रेसिंग गाउन पहन के आपको शेविंग किट लेना है आपको बाथरूम जा अच्छा लाइट ऑफ है भाई लाइट ऑफ है इस वक्त लाइट नहीं चल रही आपको नहीं पता आपको अंधेरे में बिल्कुल घुप अंधेरे में आपको जाना है शीशे के सामने खड़े होकर आपको शेव करना है ठीक है यानी कि सबसे पहले आप उठेंगे आप ढूंढेंगे कहां कहां अपनी मेमोरी से याददाश्त दाशते कि वो ब्लेड कहां पे रखा है वो नीचे वाला पकड़ने वाला उसका हैंडल जो डंडा होता है वो कहां रखा है ऊपर वाला नीचे वाला कवर फिर आप उसको लगाएंगे शेविंग किट तैयार करेंगे ड्रेसिंग गाउन पहनेंगे अंधेरे में आप बाथरूम में जाएंगे शीशे के सामने खड़े होके शीशे में देखते हुए अब लाइट तो ऑफ है शीशे के सामने खड़े होने का मुझे कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया ठीक है मुझे नहीं समझ में आया कि यार शीशे के सामने हम क्यों खड़े हो रहे लेकिन शीशे के सामने खड़े होते थे और वहां पर हम लोग शेव करते थे पूरा शेव वेव करा उल्टा फिर बाहर जाओ फिर वो चेक करता था अच्छा उसमें दो चीजें थी एक तो बोलते थे तीन मिनट में कर दो या दो मिनट में कर दो अब दो तीन मिनट में पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है हाउस इट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल तो पहली बार जब हुआ तो आई थिंक कोई पचास या बावन मिनट लगे थे तो पूरी रात काली हुई अगले दिन फिर हुआ एक तो ऐसी बार हुआ मुझे याद है कि एक रात में तीन बार शेप परेड हुई थी तो ऐसे करते 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 जब ये जूनियर टर्म की बात कर रहा हूं मैं तो जब हम लोग जूनियर थे ना तो इतना ज्यादा हो गया था कि हम दो तीन मिनट में फिर करने लगे हमें अंधेरे में दिखने लगा पता नहीं कैसे या तो मैं ऐसा सोच रहा हूं इतने सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था कि अंधेरे में दिखता था अंधेरे में तो खैर इंसान को क्या ही दिखेगा लेकिन एक सेंसिंग हो गई थी यार ये इतनी प्रैक्टिस हो गई थी अंधेरे में कि हमें पता लग गया था कैसे करना है पर आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अंधेरे में अंधेरे में आप शीशे के सामने खड़े होकर शेव कर रहे वो तरीका वही था तो लाइट हो ना हो शीशे के सामने खड़े होकर करना है आपको शेव तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड है ना उसको कहते थे दोस्तों हम शेव परेड अच्छा एक होती कंबल परेड कंबल परेड क्या होती है कंबल परेड होती है बेसिकली अब क्या ही बताएं जो बंदा थोड़ा सा यू you नो know, इस टाइप के होते हैं ना पीपल हु डोंट कोऑपरेट पीपल हु आर जिनमें वो वो बात नहीं होती तो उनको थोड़ा सा टाइट करने के लिए जिनकी हरकतें थोड़ी सी खराब होती हैं उनको टाइट करने के लिए कंबल ले जाते हैं उसके ऊपर कंबल डालते हैं और उसकी होती कोटाई और उसकी होती है सामूहिक कूटाई तो किसी को पता तो लगता नहीं कि किसने मारा किसने मारा यह नहीं पता लगता ऐसा भी कर लेते हैं कि कोई सो रहा है उसकी चुपचाप चारपाई चार, चार लोगों ने उठाई वो गहरी नींद पे धीरे 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 करके आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया वो सवेरे उठा तो देखा जंगल है आसपास मैं कहां सो रहा था यह भी हो चुका है मैंने कभी नहीं करा लेकिन मैंने ऐसी चीजें सुनी है आई वर्ड लेकिन कंबल परेड तो होती है आजकल पता नहीं क्या अकेडमी में होता नहीं होता हमारे टाइम पे तो लोगों ने करी थी और हमने सुना भी था कि हुई है और एक बात तो मैंने देखी भी अपने आंखों के सामने होती हुई सेट करते हुए खैर तो ये सब चीजें हो गई अच्छा एक चीज होती है एकेडमी में पनिशमेंट मिलती है और भाई साहब पनिशमेंट ऐसे बांटते हैं जिससे रेवड़ियां बांट रहे होंगे छोटी-छोटी चीज मैं आपको उदाहरण बताता हूं और यहां पे हम सब लोग सेकंड टर्म में आ गए हम लोग सीनियर बन गए और बाली सिन्हा चक्कु चाऊ मैं हम सब लोग सेकेंड टर्म में आ गए तो हम लोग सीनियर बन गए अब हम जूनियर्स का रागला कर रहे हैं वहां पनिशमेंट कैसे मिलती है आपके देखिए ऊपर वाला बटन है ये बटन है दूसरा यह तीसरा बेल्ट के ऊपर सिर्फ तीन बटन देखने चाहिए जो आपकी बेल्ट होती है ना बेल्ट के ऊपर सिर्फ तीन बटन देखने चाहिए चौथा बटन जो है वो बेल्ट के नीचे होगा वो दिखेगा नहीं और जो जिप होती है ट्राउजर की वो पूरा एक लाइन में होती है आपको अगर चौथा बटन आपका दिख गया तो आपको पनिशमेंट एमुनेशन बूट होता है जो कट 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 आवाज आती है ना ड्रिल करते हुए घोड़े तो रबर, रबर तो की नाल चेक करते हैं वैसे हमारी भी चेक करते थे वो तेरा किले तो भाई गोलू की निकली बारह तो यहां पर ना तुर्रा लगता था एक लाल पनिशमेंट के लिए अकेडमी में तो जसामी कंपनी वाले तो तुर्रे में ही उन्होंने निकाल दिया पूरा मामला इतनी पनिशमेंट रहती थी ये नहीं हमारी कंपनी में बहुत गड़बड़ रहती थी क्योंकि सब ऐसे डाउटफुल टाइप के थे हमारी हमारे उसमें कंपनी में तो ठीक है लेकिन सारे यारों के यार वहीं पे। ठीक है तो वहां पे दोस्तों हम लोग गए और वहां पर फिर ये पनिशमेंट चल रही है दिन का ये सब दुनिया भर का ड्रामा वहां पे अकेडमी की जो फुल बेस अकेडमी का चलता है ना ओटीए में गेम्स हो रहे हैं ये हो रहा है ट्रेनिंग हो रही है एकेडमिक्स हो रहे हैं ये सब और बीच में सागर भी चल रहा है और बटर चिकन भी चल रहा है मेहंदी वाला हाथ उसमें लाल हो रहे हैं खा के ये सब ड्रामा चल रहा है और फुल स्पीड से चल रहा है एक की स्पीड ओटीए भागता है एक स्पीड की अच्छा अब होती है चीजें दो तीन धीरे धीरे धीरे, धीरे आपकी पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड की, की तैयारी हो रही है और पासिंग आउट परेड की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि यार हम क्या ऑप्ट करेंगे अच्छा ऑप्शन कैसे मिलता है यह ऑप्शन होता है ना कि आप कौन सी सर्विस में जाएंगे कोई ईएमई के लिए ऑप्ट कर रहा है कोई सिग्नल्स के लिए कोई कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए कोई इन्फेंट्री के लिए कोई इन्फेंट्री infant... में भी कोई कुमाऊ के लिए कोई गढ़वाल के लिए कोई गुरखास के लिए सिख सिखलाई मराठा गुरखास ये सब जितनी भी रेजिमेंट्स हैं सबके लिए ऑप्शन तो एक तो ऑप्शन होता था मेरिट का कि भाई साहब जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैडेट थे जो ब्लॉक्स में आते थे तो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं तो ब्लॉक्स में तो जो टॉप थे तो वो तो जो मांगे

लड़के ने की कैडेट ने कि मैंने फोर्थ जाट तो फोर्थ जाट तो जाएगा ही जाएगा ही उसमें उसको कोई नहीं रोकता ठीक में, में अच्छा। हमने टेस्ट तो सारे पास कर लिए और कुछ कुछ हमने एक्सीलेंट में भी पास करे सारे नहीं कुछ कुछ लेकिन मेरिट में थे काफी नीचे लेकिन एक चीज थी एक चीज थी जो किसी को नहीं पता थी जो मेरे पास एक सो कॉल्ड सुपर पावर था जो कि किसी को नहीं पता था आई वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर और मैंने कई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था मैं शो जंपिंग करता था अच्छा शो जंपिंग में क्यों करता था कैसे करता था मैंने कहां सीखी जो मेरे फादर थे राइट right, वो क्लास्ट जब तक मैं क्लास ट्वेल्थ में पढ़ता था तो मैं वो बीएसएफ एकेडमी में थे टेकनपुर में

तो मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया था मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी आती थी और आई वॉज ऑलवेज अ वेरी राइडर मैंने कई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और बी एस एफ का बड़ा सपोर्ट था और बी एस एफ अकेडमी में तो वहां पर सारी फैसिलिटीज थी तो मैंने बोला यार देखो मेरे दिमाग में क्लियर था और मैंने बाली और सेना को डे वन से बोल दिया था मैंने बाली और सेना को यह बोला कि भाई देख ऐसा है मैं तो जा रहा हूं सिक्सटी फर्स्ट कैवेलरी इंडियन आर्मी की यूनिट है और मैंने सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी के बारे में सुना था मैंने क्या सुना था सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी के बारे में यार देखो दो जगह इनकी पोस्टिंग होती है दिल्ली में और जयपुर में ठीक है दिल्ली और जयपुर में पोस्टिंग होती है ये लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं पोलो खेलते हैं शो जंपिंग करते हैं शैम्पेन पीते हैं बॉल डांस करते हैं यू डांस विद ब्यूटिफुल लेडीज़ यू हैव शैम्पेन ये मेरे दिमाग में मुझे पता ही नहीं था कुछ वो जिसने जो खबर हुआ उड़ा दिया उड़ा दिया खबर उड़ा दी वो दिमाग में चली गई इम्प्रेशनेबल यंग एज क्या उम्र थी बीस एक साल होगी तो हम तो अपने आप को वैसे ही वो यू नो आई 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 बिलीव ऑल दैट मुझे ये नहीं पता था कि सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी एक प्रोफेशनल यूनिट है और बहुत मेहनत है ये तो बाद में पता लगा पहले थोड़ा ना पता था मैं पहले तो ये पता था कि यार कुछ नहीं मजे करना राइडिंग करनी ऐश करनी है हमें कभी ये सोचा ही नहीं मैंने कि यार फौज तो मैं तनख्वाह ऐश करने के लिए देगी वो भी इंडियन आर्मी।, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में तो जिस दिन आप जाते हो रगड़ा शुरू हो जाता है आप अफसर हो जवानों से कोई फर्क नहीं पड़ता चाबी सबकी लगे रहती बराबर तो कोई बात नहीं तो अब ये सब ये ड्रामा वहां पे शुरू हो रहा है और पीओपी की तैयारियां हो रही हैं ये 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 ड्रेस व्रेस, ये सब मार्च वार्च, ये करो और यहां से जाएंगे ये करेंगे पूरा यू नो जो होता है आप कभी पीओपी ओटीए पीओपी आई एनडीए आप उठा के देखिएगा आपको पता लग जाएगा बड़ा तामझाम होता है उसके बाद आप अफसर बन जाते हैं तो मैं तो मैंने बोला मैं तो सिक्सटी फर्स्ट कैवेरी के लिए ऑप्ट कर रहा हूं मुझे पता भी नहीं था कि कि कैवलरी की वैकेंसी है भी नहीं वो लोग मुझे लेंगे भी नहीं लेंगे पर मेरे दिमाग में एक पिक्चर चल रही थी अपनी और उस पिक्चर का मैं हीरो था मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रही थी तो बाली और सिन्हा ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया अच्छा तो सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी में जाएगा हम तो इन्फेंट्री ऑप्ट कर रहे हैं बाली वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे डेवन की उसको इन्फेंट्री में जाना है और सिन्हा वॉज वेरी क्लियर कि यार उसको भी इन्फेंट्री में जाना है वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सिक्सटी फर्स्ट बनाना है चक्कू आमडकोर चला गया उसका भी बिल्कुल क्लियर कट मामला था अर्नब चक्रवर्ती का मुझे आमडकोर जाना है अभी यार इन लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल अच्छा बोलू तू ये करेगा तू ये कर इन लोगों ने इतना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे ठीक है यार जो करना है करो पर मुझे कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार मेरे रिकॉर्ड्स में है कि ही इज अ गुड हॉर्स राइडर और एक् पेस्ट्रियन में बड़ा ये अच्छा लड़का है और गुड क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द हॉर्स राइडिंग क्लब एंड ऑल दैट और वहां के जो आ, एक कर्नल साहब थे हु हेडिंग दैट ही वॉज फ्रॉम सिक्सटी फर्स्ट कैबर वो बड़ा इंकरेज करते थे यार वो बहुत इंक्रेज करते थे मुझे वेनवर ही वुड से आई वुड से आई वुड सी हिम ना इवनिंग में हॉर्स हॉर्स राइडिंग क्लब में गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गौरव हाउ यू फ्रेंड मतलब ना जिसके ही टू

वो भी कर रहे थे प्रेपरेशन स्टार्टेड तो एक दिन आया कि आर्म्स और सर्विसेज डिक्लेयर होती हैं आपकी जो आर्म्स और सर्विसेज होती हैं वो डिक्लेयर होती हैं तो वहां पे एडजुटेंट वही मेजर ललित राय मेजर ललित राय वहां पे बैठे और वहां पे एक दो और ऑफिसर्स बैठे हुए थे वन ऑफ द ऑफिसर्स वाज यू नो मेजर आरपी कलीटा वो भी कुमाऊ रेजिमेंट के थे और बड़ा स्मार्ट हैंडसम ऑफिसर अ वेरी वेल स्पोकन पोलाइट जेंटलमैनली और तो मेजर कलिटा वॉज ऑल्सो देर आई थिंक एंड ही एक यू ऑफ रंजीत सिंह बटालियन हम लोग जसामी कंपनी के थे और जसामी कंपनी और कोहिमा कंपनी मिला के बनते थे रंजीत सिंह बटालियन आज की तारीख में मेजर कलिटा ना आज की तारीख में जो जमाने मेजर आरपी कलिटा थे ही इज लेफ्टिनेंट जनरल आरपी द ईस्टर्न आर्मी कमांडर सी ईस्टर्न कमांड ठीक है तो वो हमारे एक यू हुआ करते थे अब अब हुआ कि वन बाय वन तो बाली गया पहले तो बाली ने सल्यूट करा तो मैं तो बाहर था पर प्रोसेस वही है ना कि जेयू था वो जूनियर अंडर ऑफिसर तो एक रैंक मिलता है ना अंदर ही अकेडमी के जो जीसी होते हैं आपस में तो बाली थोड़ा सा अच्छा था तो बाली जेयू बना था तो बोला बटालियन द सेटलाइट इन्फेंट्री और बाली ने करा होगा सल्यूट पीछे मोड़ कट, कट 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 बाली बाहर चन्ना मेरी जान ये भी सेना अंदर गया कमिशन टू फोर्टीन बिहार मेरी बारी मैं मार्च करके अंदर गया सी सी नंबर दिस 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 गौरव जी सी फलाना गौरव आरिया यू बिन कमिशन टू सेवनटींथ बटालियन मैंने बोला यार आर्म में तो बटालियन नहीं होती बटालियन <laughs> पे हो बोल रहे हैं चक्कर क्या हो गया ये यू बिन कमिशन टू सेवनटीन बटालियन दी कुमा रेजिमेंट ये क्या हो गया यार यह बाउंसर कहां से आया मैंने सल्यूट करा पीछे मुड़ा बाहर आया बाहर कौन मिलता है मुझे बाली और सना दूर खड़े थे अपने हाउ चल रही थी इनकी मुझे मिलता है सुबेदार इंदर सिंह सुबेदार इंदर सिंह थ्री कुमाऊं राइफल्स बाकी हम लोग रेजिमेंट लिखते हैं थ्री कुमा राइफल्स लिखती है सुबेदार इंदर सिंह थ्री कुमाऊं राइफल्स वो हमारा ड्रिल इंस्ट्रक्टर था और सुबेदार इंदर सिंह साहब जो थे वो मुझसे बहुत परेशान थे मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि कहते थे यार इस आदमी के ना हाथ मिलते हैं ना पैर मिलते हैं अच्छा एंड जनरली आप देखोगे ना रेजिमेंट रेजिमेंटन गढ़वाल गुरखा इनकी ना ड्रिल बड़ी तगड़ी रहती है टक टक जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मशीन कर रही है ड्रिल इंसान तो कर ही नहीं रहा उस लेवल ऑफ परफेक्शन से करते हैं और वो डिमांड भी वो परफेक्शन करते हैं फिर वो मेहनत भी उस तरीके से करते हैं लगन जो होती है उनकी एकाग्रता से ड्रिल करते हैं हमारे यहाँ पे हाथ पैर नहीं मिलते थे शुरू फर्स्ट टर्म में बाद में तो ठीक हो गया था बाद में मामला अच्छा हो गया था लेकिन ये पूरी जब बात हुई तो बाहर गए तो मुझे बड़े हंस के हा 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 जीसी अच्छा उनको भी नहीं पता ठीक है तो मुझे मुझे सामने मिल रहे हैं सुबेदार इंदर सिंह सामने है हा हा जीसी जीसी जेंटलमैन के रेटा जीसी कौन सी रेजिमेंट मिली जीसी को हा 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 मैंने बोला बहुत हा हा कर रहे अभी बताता हूं मालू साहब कुमाऊ रेजिमेंट सुबेदार इंदर सिंह का मुंह उतर गया मैं बता रहा हूं आपको सुभधा इंद्र सिंह का मुंह उतर गया कौन बिकॉज उस इंसान ने पूरी जिंदगी ड्रिल करी थी और बड़ी शानदार ड्रिल करी थी यार गाइड उसको ऐसा बंदा मिल गया जिसकी ड्रिल ठीक नहीं थी उसका दिल टूट गया यू नो दैट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इंद्र सिंह का दिल टूट गया वो मेरी तरफ ऐसे देखता है तीस सेकेंड तक तो कुछ नहीं बोला बस उसकी सांसें चल रही थी और ऐसे देख रहा था और मैं भी सामने खड़ा था ड्रिल इंस्ट्रक्टर सावधान पर खड़ा था में उसके सामने बिल्कुल फिर, फिर कहता है जलील करने का तरीका कहते हैं होने को कौन टाल सकता है जो हो गया सो हो गया सो बदा सिंह का दिल टूट गया खैर रही वे तो गए हम फिर सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करा कॉन्ग्रेचुलेट करा मैं मेरे दिमाग में तो यही था कि हम हॉर्स राइडिंग करेंगे सिक्सटी फर्स्ट कैवरी में जाएंगे एंड वील राइड हॉर्सेस अब मैं पहुंच गया इन्फेंट्री वेल लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट आई वाज द हॉर्स इन्फेंट्री में सारा घुटने का काम है अच्छा तो हम लोग जाते हैं एक दिन क्या हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई uh, एक दिन पहले ना पासिंग आउट परेड के एक दिन पहले एक जीरो डे कह लीजिए फ्री डे कह लीजिए जो आई डोंट रिमेंबर द टर्म उस एक दिन कुछ नहीं होता उस दिन रिहर्सल नहीं होती कुछ नहीं होता उस दिन नथिंग आप सिर्फ अपनी वर्दी तैयार करो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ठीक करो ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो पूरा का पूरा आप अपना मामला सेट करो क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है कल पीओपी है तो आज के एक दिन पहले उसके सब कुछ छोड़ दिया जाता है आपको आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना राइट यू हैव टू डू नथिंग आप सिर्फ अपना ड्रेस तैयार करो यू नो एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट बिकॉज पीओपी अपार्ट फ्रॉम पासिंग आउट बींगड इट ऑल्सो शो टू द दर वर्ल्ड कि दिस इज द लेवल ऑफ इंडियन आर्मीज परफेक्शन ठीक है जी उस दिन शाम को सुबेदा इंदर सिंह आए वहां पर जी सी ओ, मैंने बोला यार आ गए तो मैं वहां पे गया बाहर बैरक के मैंने मैं मिला मैंने बोला कि मैं उनसे मिला मैंने बोला जैन साहब तो इधर आओ अच्छा यूनिट से आपका अक्रूटमेंट्स आए आपकी बेल्ट आई मैंने बोला सब आ गया क्योंकि यूनिट वाले अक्सर क्या होता है कि यूनिट वाले भेजते हैं आपके लिए ये आपके स्टार्स वगैरह ना एवरीथिंग दिस इज सेंड बाय द यूनिट बाकी ड्रेस तो आप ही बनाते हो लेकिन ये सब होता है ख़ासतौर से आप देखिए आमड वालों का बड़ा इलेबरेट होता है ये क्रॉस बेल्ट और पता नहीं क्या क्या पहनते हैं वो लोग तो उनका तो काफ़ी ही इलेबरेट होता है तो हर एक यूनिट अपने अपने ऑफिसर के लिए जो भी उनको पता लग जाता है फिर वो भेजते हैं तो मेरे लिए भी आया तो मैंने बोला हाँ सब सब आ गया तो उस दिन ना एक बड़ी उन्होंने अलग टाइप की बात करी क्योंकि सुबेदार इंदर सिंह का खौफ था सुबेदार इंदर सिंह को कभी हमने हंसते हुए नहीं देखा था मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और आप किसी भी इंडियन आर्मी के जनरल से मैं आपको बोल रहा हूं आज मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूं आपको कोई भी इंडियन आर्मी का सीनियर ऑफिसर होगा ना कोई भी आर्मी चीफ हो कोई भी हो किसी भी लेवल का आप अगर उससे यह पूछेंगे एकेडमी में आपका पीटी का इंस्ट्रक्टर कौन था हो सकता है उनको याद हो ना हो अगर आप पूछेंगे आपका वेपन्स का इंस्ट्रक्टर कौन था हो सकता है उनको याद हो हो ना लेकिन अगर आप उनको यह पूछेंगे ना आपका ड्रिल इंस्ट्रक्टर कौन था ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता कि उनको अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर का नाम याद ना हो उसका चेहरा याद ना हो ऐसा हो नहीं सकता इट इज नॉट पॉसिबल तो वो दिन मुझे भी याद है यार वो एक दिन पहले ना फिफ्थ ऑफ मार्च को हमारी पासिंग आउट थी फोर्थ मार्च की बात है तो सूबेदार इंदर सिंह आए मेरे पास और फिर मुझसे कहने लगे कि आ, आप हमारी रेजिमेंट में आए हैं और ये रेजिमेंट अब आपकी भी है मैं आपको रेजिमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अच्छा मुझे रेजिमेंट के बारे में पता ही नहीं था कुछ तब उन्होंने मुझे बताया कि रेजिमेंट इतने साल पुरानी है पहले ये यू you नो know, हैदराबाद इन्फेंट्री हुआ करती थी फिर उसके बाद में कुमाऊ उन्होंने पूरा रेजिमेंट का इतिहास बताया फिर बोला कि उन्नीस में जब पाकिस्तानी कबायली आए थे श्रीनगर एयरपोर्ट तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था फोर से उनका ताल्लुक था पूरा उन्होंने बताया तो फिर बताया कि आप जिस यूनिट में जा रहे हैं आपको पता है इस यूनिट को क्या बोलते हैं मैंने बोला सब सत्रह कुमाऊं बोलते हैं कह कहना नहीं सत्रह कुमाओं तो है पर उसका नाम क्या है बोलते क्या है उसको कहते हैं उसको कहते हैं भदुरिया पल्टन

बलिदान दिया अपनी जान दी और भारतीय सेना के इतिहास में कई एक्शन हुए कई लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिले पर शायद ही ऐसा एक्शन भारतीय सेना के इतिहास में हुआ होगा उस दिन उन्होंने बात करी और मुझे इतिहास बताया कहानी सुनाई रिजांगला की कहानी थी रिजांगला की कहानी थी मेजर शैतान सिंह की पहली बार मैंने नाम सुना मेजर शैतान सिंह का तो उसके बाद वो चले गए तो मेरे दिमाग में ना बड़ा ये रिजांगला क्या होगा ये मेजर शैतान सिंह कौन होंगे और वो 122 सौ अहीर थे और, और कैसे लड़े तो मेरे दिमाग में उस दिन फिट हो गया यार कि मैं कैसी रेजिमेंट में जा रहा हूं मुझे पता मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कुमा रेजिमेंट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी बट जब उन्होंने बताया ना तब मेरे दिमाग में आया कि यार अच्छा तो एंड में जाते ना उन्होंने एक बात बोली थी कि जिसी कला आप अफसर हो जाओगे ठीक है आज आपका आखिरी दिन है एसजीसी जेंटलमैन टुमारो यू विल बिकम एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आप जिस रेजिमेंट में जा रहे हैं ना वो रेजिमेंट मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैदान सिंह की रेजिमेंट है ये बात कभी मत भूलना ठीक तो है वो गए मैं अंदर चला गया ट्रस्ट करी अगले दिन पीओपी हो गई और पीओपी में फिर आ, क्या हुआ कि एक अंतिम पग होता है एक ऐसा लगा रहता है अंतिम पग तो आप जब स्लो मार्च करके जाते हैं जैसे आप अंतिम पग पार करते हैं वैसे you an उसके बाद कसम होती है वो भारत के संविधान पर होती है ठीक है बाकी जैसे लोग हैं वो अपने रिलीजियस बुक्स के ऊपर लेते हैं कोई भगवत गीता के ऊपर लेगा कोई कुरान शरीफ के ऊपर लेगा कोई गुरु ग्रंथ साहब के बाइबल के ऊपर लेगा ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टेकन ओथ टू डिफेंड दूशन ऑफ इंडिया ठीक है तो अब ये सब हो गया तो पेरेंट्स आए थे मम्मी पापा तो उन्होंने हम लेफ्टिनेंट बन गए और बाली से मिले सबसे मिले गले मिले बड़े यार अजीब सा लग रहा था कि यार क्या आप इन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं तो जब अकेडमी में रहते थे तब हम डेली कोसते थे यार कि यार ये मेहनत है ये इधर जाओ इधर जाओ बिल्कुल इंसान को बंदर बना रखा है ये चढ़ जाओ उतर जाओ लेकिन जब आप अकेडमी छोड़ते हैं ना तब आपका दिल डूबता यार यार इस जगह ने ना इंसान बना दिया देखो यार तो बड़ा बुरा लगा एकेडमी गए खैर विद पेरेंट्स बैक टू डेली एकेडमी को बाय बाय सारे यार दोस्तों को बाय बाय बोला और वापस चले गए दिल्ली तो दोस्तों ये एपिसोड टू है एकेडमी का और यहां पे खत्म होता है अगले एपिसोड में मैं जल्द वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं जब सत्रा कुमाऊ गया तो वहां पे हुआ क्या कौन से बड़े बड़े ऐसे कांड हुए और कौन से बड़े बड़े हमने तीर तुक्के मारे ठीक है और हमारा क्या एक्सपोजर रहा यूनिट में और क्या ट्रीटमेंट हमें मिली सत्रह कुमाओं मेरी पलटन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय